भाग्य के साथ कर्म का महीना बड़े लाभ का। जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर क्षण में संघर्ष होता है। भयभीत होने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, भयभीत होने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है, जहाँ होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशि फल समझने वाले हैं। उसमें आज हम मेष राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल माह कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था, यह बता पाना असंभव है। हो सकता है कि हजारों सालों के बाद यह योग बना हो, जिसके कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं विशेष उपाय अवश्य बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। अत्यंत लड़ाकू प्रवृत्ति की आपकी राशि और राशि स्वामी मंगल ग्रह, जो साक्षात सेनापति माना जाता है। अप्रैल महीने की विशेषता कही जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल ग्रह उच्च अवस्था में है। 7 अप्रैल को वह कुंभ राशि अर्थात आपके इच्छा पूर्ति के स्थान में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर जब हम मेष राशि की दृष्टि से विचार करते हैं तो महीने की शुरुआत में आपका व्यक्तित्व अत्यंत बलवान रहेगा। किसी भी समस्या का सामना करने का सामर्थ्य आप में रहेगा। महीने के दूसरे सप्ताह से व्यक्तित्व और विचारों से आपको लाभ प्राप्त होगा। गत कुछ दिनों से आपकी जो भी इच्छाएं अधूरी थी, उन्हें आप इस अवधि में पूरा कर सकेंगे। उचित योजना बनाकर कार्य करोगे, क्योंकि यह महीना व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके लिए सकारात्मक रहेगा। पहले राशि स्वामी उच्च अवस्था में और उसके बाद इच्छा पूर्ति के स्थान में होने के कारण आप उचित कर्म और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार, पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। मेष राशि के द्वितीयेश शुक्र ग्रह आते हैं। वे महीने के प्रारंभ में कुंभ राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे। 27 अप्रैल को वे मीन राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण पारिवारिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए सौख्य एवं लाभ से भरपूर कहा जा सकता है। महीने के प्रारंभ में परिवार से लाभ, आर्थिक लाभ, पारिवारिक प्रॉपर्टी से लाभ, लिए हुए खेत से लाभ हो सकता है, क्योंकि इस अवधि में धनेश स्वयं लाभ स्थान में विराजमान रहेगा, जिस कारण आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद वह उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। वैसे भी कुंडली के द्वादश स्थान को शैया सुख का स्थान कहा जाता है, इसीलिए वह शुक्र को विशेष रूप से अच्छा लगता है। संक्षेप में, यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को समृद्ध करने वाला सिद्ध होगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के परिश्रमेश बुध ग्रह की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। महीने के प्रारंभ में नीच अवस्था और नकारात्मक पद्धति से उसकी यात्रा शुरू रहेगी, लेकिन 8 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेगा। आपका राशि स्वामी मंगल और बुध ग्रह, इनमें शत्रुत्व का रिश्ता है, जिस कारण आपकी राशि में उसे अच्छा नहीं लगेगा। 24 अप्रैल को
बुध पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेगा। वह स्थान उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरी में स्थैर्य प्राप्त होना, परिश्रम से कर्तृत्व से नौकरी में उन्नति होना, यह प्रभाव मुख्य रूप से सामने आएगा। संक्षेप में, परिश्रम की दृष्टि से आपको इस महीने में सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रारंभ में आपके चतुर्थ स्थान पर मंगल और शनि, इन दो महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि होगी। 7 अप्रैल को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। वह आपका राशि स्वामी भी है। दशम स्थान से उच्च अवस्था के मंगल की दृष्टि जब तक आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, तब तक वह आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण करेगा। लेकिन मंगल और शनि दोनों ही पाप ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण इस अवधि में घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। फिर भी वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, उसका लाभ उठाइए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो रवि ग्रह की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह आपका पंचमेश है। महीने के प्रारंभ में वह आपके व्यय स्थान में रहेगा। वह जल तत्व की मीन राशि होती है। अग्नि तत्व के रवि को जल तत्व की राशि अच्छी नहीं लगती, फलस्वरूप वह एक प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न होती है। 14 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन कर आपके राशि में प्रवेश करेगा। रवि मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, वहां से बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा का कारक पंचमेश उच्च अवस्था में होने के कारण शिक्षा एवं अध्ययन में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही वह राशि में विराजमान होने के कारण आपका व्यक्तित्व भी उस दृष्टि से समृद्ध होगा। आप पूरी लगन के साथ अध्ययन करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। पंचमेश राशि में होने के कारण शिक्षा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ली हुई शिक्षा से आपको अच्छी नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि में आपको इष्ट देव भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस अवधि का सदुपयोग कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपका षष्ठेश बुध ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। महीने के प्रारंभ में बुध ग्रह की यात्रा मीन राशि अर्थात आपके व्यय स्थान से नीच अवस्था में शुरू रहेगी, जिस कारण महीने के प्रथम सप्ताह में आपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। दूसरे सप्ताह में वह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन वहाँ भी शत्रु की राशि में होगा, फलस्वरूप वहाँ भी उससे आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह में वह आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात महीने के अंत में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है वे महीने के अंत में प्रयास करें, यह सुझाव आपको दिया जाता है। प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को नज़रअंदाज करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। महीने के अंत में आप उनकी ओर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही प्रथम सप्ताह में महत्वपूर्ण दस्तावेजों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि वे कहीं खो जाने की या कहीं रखे जाने की संभावना है। कुल मिलाकर यह महीना इन सभी दृष्टियों से भले ही संघर्ष का हो, लेकिन अंत निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी स्थिति शुभ होने के बाद भी जो जातक नौकरी में है उन्हें कहीं ना कहीं संघर्ष, परिश्रम का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अति परिश्रम भी करना पड़े, उससे परेशानी उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से
यह महीना अत्यंत उत्तम एवं लाभकारी सिद्ध होगा। जो मेष जातक व्यवसाय में है उन्हें प्रारंभ से ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। 27 अप्रैल के बाद उस लाभ में अधिक वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में यह महीना नौकरी करने वाले जातकों के लिए संघर्ष का तो व्यावसायिक जातकों के लिए लाभ का रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश गुरु महाराज की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वे आपके कुंडली के भाग्येश और व्ययेश है। ज्योतिष नियमों के अनुसार भाग्य को धर्म स्थान माना जाता है, तो ऐसे भाग्येश महीने के प्रारंभ में आपके लाभ स्थान में विराजमान है। 13 अप्रैल को वे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आप उनकी स्वराशि है और आपके व्यय स्थान में आती है। स्वराशि होने के कारण व्यय स्थान में भी गुरु महाराज शुभ फल देने के लिए प्रवृत्त रहेंगे। विशेष रूप से जो जातक विदेश में हैं, उनका व्यवसाय या नौकरी हॉस्पिटल से संबंधित है, उन्हें अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। संक्षेप में व्यय स्थान में जाने वाले गुरु महाराज आपका भाग्य समृद्ध करेंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह अर्थात साक्षात सेनापति, जिसे कर्म प्रधान माना जाता है, वह आपके दशम स्थान में विराजमान है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ मंगल उच्च अवस्था में होता है, उसी समय कर्मेश भी कर्म स्थान में उपस्थित है। यह स्थिति आपको कर्म प्रधान बनाती है। 7 अप्रैल को आपका राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करेगा और 29 अप्रैल को कर्मेश भी लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। यह दोनों स्थान राशि स्वामी मंगल ग्रह और कर्मेश शनि महाराज को विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। फलस्वरूप यह महीना आपके लिए कर्म प्रधान सिद्ध होगा। हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और भरपूर सफलता, यह इस महीने आपकी दिशा रहेगी, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। लाभ के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मेष जातकों के लिए बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि महीने के प्रारंभ में दो प्राकृतिक शुभ ग्रह गुरु और शुक्र आपके लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आपको भरपूर लाभ प्रदान करेंगे। 13 अप्रैल को गुरु महाराज व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, लेकिन वहाँ उनकी स्वराशि आती है। फलस्वरूप उनकी यह स्थिति भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। 7 अप्रैल को आपका राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, वह भी भरपूर लाभ प्रदान करेगा। साथ ही 29 अप्रैल को आपके लाभेश शनि महाराज लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ एवं लाभदायी स्थिति रहेगी। संक्षेप में गुरु, शुक्र, मंगल और शनि, यह चारों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह इस महीने आपके लाभ स्थान में रहेंगे, जिस कारण यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शुक्र लाभ स्थान में 27 दिनों तक रहेगा। गुरु महाराज महीने के प्रथम 13 दिन लाभ स्थान में होंगे। मंगल महीने के अंतिम 23 दिन लाभ स्थान में होगा, तो लाभेश शनि महाराज महीने के अंत में लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर इस महीने आपको लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे, उनका आपने उपयोग करना चाहिए। व्यय और प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो महीने के प्रारंभ में आपके व्यय स्थान में रवि और बुध ग्रह विराजमान रहेंगे, जिस कारण इस अवधि में कई प्रकार के खर्च आपके लिए निर्माण होंगे। विशेष रूप से छोटी बड़ी यात्राओं के लिए, शिक्षा के लिए आपका खर्च हो सकता है। 13 अप्रैल को आपके व्ययेश गुरु महाराज जब व्यय स्थान में प्रवेश करेंगे, तब से ही आपके लिए विभिन्न प्रकार के खर्च शुरू होंगे। भले ही वे स्वराशि के हो, लेकिन खर्च का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि इस महीने आपको भरपूर लाभ प्राप्त होने वाला है,
उसमें से आपका छोटा खर्च होगा, इसलिए मानसिकता पहले से ही बना लेनी चाहिए। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता है, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए बेहद शुभ तो कुछ दिन अशुभ और तनाव संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए 4, 14 और 22 अप्रैल यह दिन शुभ रहेंगे, इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही 2, 11 और 20 यह दिन अशुभ होंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े, इसीलिए आपको इन दिनों का उचित नियोजन करना होगा जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने की और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में जैसा मैंने आपको पहले बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने आपके राशि के बीज मंत्र का 11 बार, राहु और केतु के मंत्र का कम से कम 4 बार पठन करना जरूरी है। उस अनुसार मेष राशि का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रों का पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर पहले आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझ ले और उसी अनुसार मंत्रों के उपाय करें, इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो मेष जातकों के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।